सुन्नी और शिया मुस्लिम्स के बीच में क्या अंतर होता है? कड़कती धूप में लगातार अपने ऊपर चाकुओं से वार करके खून की नदी बहा देने वाले शिया मुसलमान मुहर्रम के महीने में बहुत ही जोरदार मातम मनाते हैं, लेकिन आखिर क्यों अपने शिया मुसलमान भाइयों के गम को सुन्नी हराम मानते हैं? क्यों दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म दो हिस्सों में बट गया? आखिर क्यों शिया मुसलमान दिन में 3 बार नमाज पढ़ते हैं और सुन्नी मुसलमान 5 बार? एक अपना माथा नमाज पढ़ते वक्त ईंट पर रखते हैं, एक रखता है जमीन पर। इन सब के अलावा भी दोस्तों, शिया और सुन्नी मुसलमान में बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली वो कहानी है जिसने मुसलमान समुदाय को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। अब ये सब कैसे और क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म के बंटवारे की शुरुआत साल 632 में हुई थी, जब पूरा इस्लाम धर्म मोहम्मद पैगंबर के मरने का शोक मना रहा था। लेकिन पैगंबर की मौत के साथ साथ दूसरी चीज जो लोगों को परेशानी कर रही थी वो है कि पैगंबर की मौत के बाद इस्लाम धर्म को कौन संभालेगा, कौन बनेगा इस्लाम का अगला खलीफा। ये सारी बातें इसीलिए उठ रही थी क्योंकि पैगंबर अपने पीछे कोई भी उत्तराधिकारी चुनकर नहीं गए थे, लेकिन बिना किसी लीडर के इस्लाम धर्म के लोग चल भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने खलीफ का फैसला किया और तब अधिकतर लोगों ने अबू बकर को अपने लीडर के तौर पर चुना, क्योंकि वो न सिर्फ पैगंबर के करीबी दोस्त और साथीदार थे बल्कि सबसे पहले मुसलमानों में से भी एक थे। यानी कि ये उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम धर्म को अपनाया था। लोगों का ये मानना था कि उन्होंने इस्लाम की तरक्की के लिए काफी काम भी किया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि लोगों का एक ऐसा समूह भी था जो पूरी तरह से पैगंबर के भाई और दामाद अली की तरफ था। उस समूह का मानना था कि पैगंबर ने अपनी आखिरी हज पर अली का हाथ लेकर लोगों से कहा था कि जिस किसी के लिए मैं मौला हूं उनके लिए अली भी मौला है। इसीलिए शिया मुसलमानों का ये मानना था कि ये बात साफ साफ दर्शाती है कि पैगंबर मोहम्मद अली को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। अब ये सुनकर आपको भी यही लग रहा होगा कि ये समूह तो सही बोल रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो मौला शब्द है इसके उर्दू में कई सारे मतलब होते हैं। अब जो लोग अली की तरफ थे वो शिया थे और उन्होंने मौला का मतलब लीडर समझा, वहीं जो लोग अबू बकर के सुन्नी साथीदार थे उन्होंने मौला का मतलब दोस्त समझा, और यहीं से इस्लाम धर्म में दरार पड़नी शुरू हो गई। शुरुआत में तो ये दरार केवल राजनीति तक ही सीमित थी, लेकिन फिर ये दरार इनके तौर तरीकों और रहन सहन में शामिल हो गई, जिसकी वजह से शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच बहुत बड़ा अंतर आने लगा, और आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। जहां अगर हम सबसे पहले नमाज की पढ़ने की बात करें तो दिन में 5 दफा नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है, जिसका पालन शिया और सुन्नी दोनों करते हैं। लेकिन सुन्नी मुसलमान पूरे दिन में 5 अलग-अलग बार नमाज पढ़ते हैं, तो वहीं पर शिया मुसलमान एक बार में 1-2 नमाजों को साथ में जोड़कर 5 नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ 3 ही बार पढ़ते हैं। अब सुन्नी भी ये चीज कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वो सफर पर हो या फिर किसी काम वगैरह की वजह से वो 5 अलग-अलग बार नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अंतर यहीं पर नहीं होता, बल्कि इनके नमाज पढ़ने के तरीके में भी आपको काफी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जहां सुन्नी नमाज पढ़ते वक्त अपने हाथों को क्रॉस करके खड़े रहते हैं, जबकि शिया मुसलमान अपने हाथों को साइड में रखते हैं, और नमाज के वक्त जब माथा नीचे रखना होता है तो सुन्नी जमीन पर अपना माथा रखते हैं, तो वहीं शिया मुसलमान ईंट के ऊपर अपना सर रखते हैं जिस पर हुसैन और पैगंबर के परिवार वालों का नाम तराशा गया होता है। दोस्तों, ये ईंट तुरबा नाम की मिट्टी से बनी होती है, और ऐसा माना जाता है कि अल्लाह ने कायनात बनाते वक्त इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया था। अब इनके नमाज पढ़ने के तरीके में एक अंतर ये भी है कि जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो कब्रों पर नमाज अदा करने के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नमाज पढ़ना हराम है। और वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों को इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर उनके परिवार या फिर शिया समाज का कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो अगर तुम उसकी कब्र पर दुआ करते हो तो वो तुम्हारी दुआ अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाएगा। अब अगर हम शिया और सुन्नी मुसलमानों के अगले अंतर के बारे में बात करें तो वो है तकैया। दोस्तों, इस्लाम धर्म में तकैया का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे धर्म के कारण तुम्हारी जान खतरे में है
तो तुम तुम्हारा धर्म छुपा सकते हो। यानी अगर कोई तुम्हारे सिर पर बंदूक रख कर ये कहता है कि अपना धर्म अभी के अभी बदल दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वहां पर तुम अपना धर्म बदल सकते हो। या फिर तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर लोग मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं, तो वहां भी तुम अपना धर्म छुपा सकते हो। पर इसकी एक शर्त है कि तुम्हारी जुबान कुछ भी कहे लेकिन दिल से तुम्हें इस्लाम धर्म को ही मानना है। पर दोस्तों, इस प्रथा में हर कोई विश्वास नहीं करता, जैसे कि शिया मुसलमान इस चीज पर विश्वास करते हैं और जरूरत पड़ने पर वो अपना धर्म छुपा सकते हैं, लेकिन सुन्नी ऐसा नहीं करते। बल्कि उनका कहना है कि अगर तुम किसी ऐसी मुसीबत में आओ तो जहां पर तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़े, तो धर्म बदलने से अच्छा है कि तुम अपनी जान को ही कुर्बान कर दो, ऐसा करने से तुम्हें जन्नत नसीब होगी। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती सुअर का मांस खिला रहा है या फिर शराब पिला रहा है और उसका सेवन न करने पर तुम्हारी जान को खतरा है, तो तुम बेझिझक वो चीज खा या पी सकते हो। और ये सारी चीजें सुन्नी हदीद फात अल बारी में लिखी है। यहां सवाल ये आता है कि इन चीजों पर दोनों के इतने अलग विचार क्यों हैं? तो दोस्तों, अभी हमने आपको कुछ ही समय पहले ये बताया था कि जो समूह अली के पक्ष में थे उनकी संख्या बाकी के सुन्नी से काफी कम थी, और जब अली पहले खलीफ नहीं बने तब उनके समूह, जिन्हें शिया के नाम से जाना जाता है, उन पर अत्याचार होना शुरू हो गया। वो हमेशा से ऐसी जगह पर रहते आ रहे थे जहां सुन्नी लोग बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए उन्होंने जिंदगी भर अत्याचार और मौत का सामना किया है। इसलिए फिर अबासीद खलीफ यानी इस समय इराक में रहने वाले शिया को बचाने के लिए इस्लाम के छठे इमाम जफर अल सादिक ने तकैया की पेशकश की, और फिर इसी तरह खुद के बचाव के लिए शिया मुसलमान कई सालों से तकैया का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दोस्तों, शिया सुन्नी मुसलमानों में तीसरा अंतर हदीस का है। हदीस मोहम्मद पैगंबर की जीवन गाथा है जिसमें उनके जीवन के हर एक पहलू के बारे में बताया गया है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरान को इस्लाम धर्म की सबसे महत्वपूर्ण किताब माना जाता है, लेकिन इस्लामिक कानूनों में हदीसों के अनुसार कही गई बातों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। पर दोस्तों, शिया और सुन्नी दोनों ही हदीस अलग अलग है, क्योंकि शिया मुसलमान सुन्नी इस्लाम के कुतुब अल शिता को स्वीकार नहीं करते हैं और सुन्नी मुसलमान शिया इस्लाम की चार किताबों को अस्वीकार करते हैं। हमें पता है आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हदीस में पैगंबर के जीवन के बारे में लिखा गया है तो फिर वो कैसे अलग हो सकती है। असल में दोस्तों, अली और उसके परिवार की कुर्बानियों को मानने वाले शिया मुसलमान सिर्फ उन्हीं हदीस को ज्यादा महत्व देते हैं जो अली, उनके परिवार और पैगंबर के करीबी साथियों द्वारा लिखी गई है, लेकिन सुन्नी मुसलमान पैगंबर के सभी 12,000 साथियों द्वारा लिखी गई हदीस को एक समान महत्व देते थे। और इसलिए शिया ने केवल अपनी किताबों में अली और पैगंबर वालों के हदीस लिए हैं और सुन्नी मुसलमानों ने पैगंबर के हर साथीदार के हदीस को अपनी 5 किताबों में जोड़ कर लिया है। हमें पूरा यकीन है कि अब तक आपको शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले अंतर की, जो इन दोनों में ही बहुत विशेष महत्व रखता है, और वो है इनके त्यौहार। वैसे तो हर मुस्लिम सारे बड़े बड़े इस्लामिक त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि रमजान, ईद, मुहर्रम वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर अंतर इस वजह से आ जाता है कि वो इस त्यौहार को अलग अलग कारणों की वजह से मनाते हैं। जैसे कि अगर हम मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम का 9वां व 10वां दिन असूरा का होता है, जब शिया मुसलमान पैगम्बर के 9वासी हुसैन की मौत का शोक मनाते हैं। दरअसल ये केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि शिया इस्लाम का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उसी दिन करबला में पैगंबर के 9वासी व अली के बेटे हुसैन और उसके परिवार को जंग में बहुत ही भयानक तरीके से मार डाला गया था। वैसे तो इस दिन का शोक हर मुसलमान मनाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी छाती पीट पीट कर अपना गम जाहिर करते हैं और कुछ तो अपने शरीर पर हथियार या चाकू से वार भी करते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो हुसैन के साथ हुई नाइंसाफियों के खिलाफ होने वाले संघर्ष के रूप में देखते हैं, ताकि ऐसा करने से लोगों को हमेशा हुसैन के त्याग और संघर्ष की याद आती रहे। लेकिन खुद को इस कदर चोट पहुंचाना सुन्नी हराम समझते हैं। उनका कहना है कि कुरान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हें खुद को इस कदर नुकसान पहुंचाना है। हालांकि सुन्नी मुसलमान इस दिन का शोक मनाते हैं, लेकिन उनका शौक इतना ज्यादा हिंसक नहीं होता, और कुछ शिया मुसलमान भी ऐसे हैं जो इससे परहेज करते हैं और इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।